तो यार बहुत कुछ अल कबीर में हो चुके हैं, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हाई राइज वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे वो स्काई मॉल आ रहा है, ठीक है, द मैक्स का टावर आ रहा है और बहुत सारे और मॉल्स भी आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू प्राइस एंड प्रॉपर्टी और मैं हूं ज़ीशान रसूल। एक नया दिन, एक नई सुबह और कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वेल यार, सीन पता है क्या है, आज हम जा रहे हैं अल कबीर टाउन। अल कबीर को काफी दिनों से हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली थी कि वहां पे क्या नई चीजें आई हैं, क्या चल रहा है। तो यार बहुत कुछ अल कबीर में हो चुका है, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सबमिशन फॉर्म्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक अल कबीर ऑर्चर्ड जो है उसका नया ब्लॉक लॉन्च हुआ था, और तीसरा अल कबीर टाउन फेज 2 के अंदर एक नया कमर्शियल लॉन्च हुआ है। तो अभी हम निकल रहे हैं लेक सिटी से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अल कबीर ऑर्चर्ड जो था काला शकाकू में, उसका नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है द ओएसिस। और ओएसिस का सीन ये है कि भाई रेट थोड़ा सा रिवाइज हो गया है, यानी कि 3 मरले का नया रेट जो है वो है 12,75,000 रुपए और 5 मरले का रेट है 19.5 लाख रुपए। बुकिंग 2 लाख और 3 लाख रुपए से, और इंस्टॉलमेंट भी स्लाइटली इंक्रीज हुई है 10,000 और 17,000 रुपया, ठीक है। तो ये माइन्यूट से चेंजेस आए हैं अल कबीर ऑर्चर्ड में। लोकेशन वही है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन प्राइसेस में इंक्रीज हो गया है। जो हमने डिफरेंस देखा है वो आप कह लें कि जी अप्रोक्सीमेटली 75,000 3 मरला पे इंक्रीज हो गया है और तकरीबन कोई 1 लाख रुपया 5 मरला पे इंक्रीज हो गया। तो ये चेंजेस है। और सबमिशन फॉर्म की जो अपडेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सबमिशन फॉर्म अल कबीर के एडजस्टमेंट फॉर्म्स की जो है एडजस्टमेंट आने वाली है बहुत जल्द। तो इस वक्त कोई 14,000 साढ़े 14,000 15,000 का रेट है। अगर आप आज वो फॉर्म खरीद लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 20,000 25,000 जहां पे भी अल कबीर उसकी एडजस्टमेंट देगा तो आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे ऑफ कर सकेंगे। ये फॉर्म नॉर्मली ऐसे होता है कि तकरीबन हर प्रोजेक्ट में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी आती है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स में तो ये हो ही जाते हैं। तो अगर आपके इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है अल कबीर ऑर्चर्ड के किसी भी प्रोजेक्ट की, तो आज ये फॉर्म्स जाके मार्केट से परचेज कर लें ताकि आप कम पैसों में अपनी ज्यादा किस्तें अदा कर सकें। बहरहाल जी, ये सामने अल कबीर टाउन फेज 2 का गेट है और इसकी तरफ चलते हैं और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ जाके दिखाते हैं। बहरहाल जी, चलते हैं अल कबीर की तरफ। तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज जो बतानी थी वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए जी, अल कबीर टाउन फेज 2 का गेट नंबर 1 ये है हमारा ब्रॉडवे कमर्शियल। तो यहाँ पे 4-4 मरले के कमर्शियल आए थे और ये थे अप्रोक्सीमेटली कोई 1-2 साल पहले आए थे और 2 करोड़ 80 लाख रुपए के, ठीक है। और अभी यहाँ पे सारे जो है प्लाजे वगैरह बनना स्टार्ट हुए हैं। ये है जी अल कबीर टाउन फेज 2 का सबसे पुराना गेट, जिसको आप गेट 1 भी कहते हैं। और इससे आगे अभी हम जाएंगे और आपको एक और गेट दिखाता हूँ, वो है जी अल कबीर टाउन फेज 2 का गेट नंबर 3। यहाँ पे थोड़े से बड़े कमर्शियल्स हैं तो 3-3 मरले के, लेकिन यहाँ पे ना क्योंकि जगह थोड़ी सी ओपन है, ये ग्रैंड ओपनिंग आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हाई राइज वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे वो स्काई मॉल आ रहा है, ठीक है, द मैक्स का टावर आ रहा है और बहुत सारे और मॉल्स भी आ रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं कमर्शियल्स की, तो अल कबीर टाउन फेज 2 में जितनी आबादी है उस लिहाज से कमर्शियल बहुत ज्यादा है, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन अभी तक जो कमर्शियल है वो छोटा था, 3 मरला 4 मरला हद कोई 5 मरला। लेकिन अभी अल कबीर टाउन फेज 2 ने एक नई डील, एक नया ग्रैंड कमर्शियल, जिस तरह के बहरिया टाउन ने आप कह सकते हैं कि कुछ अर्सा पहले 4-4 कनाल के कमर्शियल निकाले, जहां पे अपार्टमेंट बिल्डिंग स्टार्ट हुई, पलवन कोर्ट यार्ड मियाँ अत्तर साहब की स्टार्ट हुई, एलिगेंस मॉल और ये बहुत सारे मॉल जो 4-4 कनाल के और लाहौर के सबसे बड़ी बिल्डिंग्स के जो नारे लग रहे हैं बेसिकली उसी जगह पे लग रहे हैं कि वो एक बड़ा ग्रैंड जो है एरिया वो स्टार्ट हुआ। तो खैर यहाँ पे भी सिमिलर पार्टनर पैटर्न पे 1-1 कनाल के कमर्शियल्स लॉन्च हुए हैं और वो किस जगह पे हैं आपको भी दिखाते हैं। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये सारे मॉल्स आगे जो मैंने आपको बताया, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पे अल कबीर के अपने अपार्टमेंट्स भी हैं। और ये पुराना जो गेट है अल कबीर टाउन का, पहला गेट जो सबसे पहले से यूज हो रहा है, यहाँ से अब हमने एंटर होना है और इधर से हम एंटर होंगे तो बिल्कुल सामने हमारे जो है एक कमर्शियल मार्केट स्टार्ट हो जाती है। इसको हमने करना है क्रॉस। चलें जी, चलें। ये देखें जी, ये है अल कबीर की प्रॉपर कमर्शियल मार्केट जहाँ पे हमारा भी एक जमाने में ऑफिस है, अभी हमने यहाँ से खत्म कर दिया, बट वी मूव टू बहरिया, और ये हमारा ऑफिस होता था। ये जी सारी मार्केट आ गई, ठीक है। ये सारे 4-4 और 5-5 मंडला के कमर्शियल हैं, और जहाँ जो चीज मैंने फील की थी अल कबीर में शुरू से वो यही था कि यहाँ पे साइज छोटा था कमर्शियल का, और कोई बड़ा आउटलेट, कोई बड़ा उस तरह आप कह लें कि बैंक को स्पेस और इस तरह की चीजें बड़ी लैक कर रही थी, क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो उस लिहाज से फिर अब इन्होंने इसी मेन बुलेवार्ड पे ये छोटा सा बीच में रेजिडेंशियल का पैच अप्रोक्सीमेटली कुछ 7-8 जा रहे हैं ये दोनों साइडों पे, ये क्रॉस करते ही वो सामने जो है ये बिल्कुल नया जो है वो कमर्शियल लॉन्च हुआ है, जहां पे एक एक कनाल के कमर्शियल आ रहे हैं। और अनाउंस होते ही 1-2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे था नहीं, वरना जरूर आते। ये है जी बेसिकली ये सारा एरिया, और इसमें यहाँ पे आपको देखें बड़ी कटिंग नजर आ रही है, लिमिटेड सी इन्वेंट्री है, लिमिटेड से प्लॉट है, और जो रेट मुझे पता है तकरीबन कोई 12 करोड़ रुपए का किनाल है यहाँ पे। खैर मैं पेमेंट प्लान अटैच कर दूंगा। असल में मैं काफी दिनों से जो है लाहौर नहीं था, तो अभी मैं आया हूँ कल ही वापस, तो सोचा कि आप लोगों से फौरन एक वीडियो बना के चीज़ें शेयर कर दें कि मेरे आने और जाने के दौरान जो है ना कहानियाँ काफ़ी बदल गई हैं। खैर ये एरिया है मज़ेदार, वो सामने बिल्कुल पुराना कमर्शियल है, बीच में ये कुछ घर हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल को सेमी कमर्शियल हो जाने हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे तो घर खरीदे हुए भी मजा आएगा। और जो मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ कि 72 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट बेचे है, वो भेजन यहीं पे बेचे हुए हैं। तो ये 15-15 लाख वाली बुकिंग थी, लेकिन लेटर ऑन ये 70-72 तक भी बिकते रहे। खैर अब तो और भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि पीछे भी कमर्शियल आगे भी कमर्शियल और बीच में कुछ घर रह गए हैं। और ये एरिया कोई खास बड़ा नहीं है, ये लिमिटेड सा एरिया, पीछे सारी आबादी है, इट्स कवर्ड। तो मेरा ख्याल है कि मजेदार चीज है। खैर निकलते हैं, लेट्स गो टू ऑफिस और अपने दिन के काम शाम करें जी। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं ऑफिस। देखते हैं क्या सीन चल रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम, सारे एंजॉय कर रहे हैं आज। क्या हाल है भाईजान, क्या हाल है? क्या चल रहा है? बस वही अर्बन सिटी क्या बात। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? सलाम ए1, आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये देखें, ये जब सबमिशनें मिलती है ना तो भाई साहब यूं खुश हो जाते हैं। और ऐसा स्कूल गिनते हैं, ये देखें कितनी स्पीड हमारी, ये ऐसे ही चले जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, तो ये देखें, ये टाइम बताओ क्या हुआ? 3:30 हुआ। तो ये दफ्तर आने का टाइम है। ये रमजान में भी इनको हया नहीं है। खैर चले ब्लॉग को करते हैं जी एंड, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई अबाउट अल कबीर। अगर अल कबीर के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट प्राइस एंड प्रॉपर्टी, नीचे हमारा नंबर है, हेल्पलाइन पे कॉल करें और हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।